सियासत के गढ़ इंदौर में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम में हुए घोटालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए लाठियां भांजी। इस दौरान पुलिस जवानों ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी लठ बरसा दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में कांग्रेस का जंगी विरोध प्रदर्शन। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संभाला मैदान। प्रदर्शन में शामिल पटवारी पर पुलिस ने बरसाए लठ। लंबे वक्त के बाद इंदौर में कांग्रेस का एक्टिव अंदाज देखने मिला जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में हुए घोटालों के खिलाफ मैदान संभालते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ पुलिस कर्मियों ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पटवारी को घिरता देख सदाशिव यादव समेत तमाम नेता उनके पास पहुंचे और बाहर निकाला। इस दौरान पटवारी को हल्की चोट भी आई है। इस दौरान प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा, सदाशिव यादव, मनीष पटेल, रीना बौरासी सेतिया और सीमा सोलंकी मालवीय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।